हाय गाइस, हैप्पी संडे। एंड आज मेरा उठने के बाद, रेडी वेडी होने के बाद मैं फिर से आई हूँ। जैसे आई लव टू हैव कॉफीज, एंड संडे के दिन तो ये काफ़ी स्पेशल रहता है, काफ़ी स्पेशल रहता है। तो आज मैं आई हूँ द रूबीज इटरी। रूबीज इटरी करके यहाँ पे एक प्लेस है न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड में, बट मेरे घर से काफ़ी करीब है। बट मुझे उसकी एक पर्टिकुलर कॉफ़ी है, वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं एवरी नाउ एंड देन यहाँ पे आती हूँ कॉफ़ी पीने के लिए। ओके, तो आप पियोगे मेरे साथ? ओके, लेट्स हैव अ लिटिल स्मॉल टूर अबाउट द कैफे एंड वो क्या डालते हैं उसके अंदर, इवन कैसे वो सर्व करते हैं। आई शो यू मोर एंड कीप यू पोस्टेड। थैंक यू। सो ये है जो जहाँ पे मैं जा रही हूँ, वो है द रूबीज कैफे। एंड मुझे उनकी आई जस्ट लव देयर हॉकी पॉकी लाटे, दिस इज सुपर टेस्टी। एंड सो हियर इज़, इट्स ए रूबी ईटरी। यस, इट्स अ रूबी ईटरी। आई रियली लाइक देयर इंटीरियर, इट्स ब्यूटिफुल। आई जस्ट डोंट नो, एवरीवन इज हैविंग फन। तो ये बन के आती है मेरी हॉकी पॉकी लाटे। वो बंदे को जिसने मुझे सर्व किया, ही नोज माई कॉफी नाउ। एंड ये जो है, दिस इज अ स्मॉल टूर ऑफ द एक्चुअल कैफे। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट कैफे, इट्स कॉल्ड रूबीज इटरी। यस, एंड पीपल आर जस्ट हैविंग लॉट ऑफ फन। या फ्रेंड लोग के साथ आए हैं, मजे मस्त मजे कर रहे हैं, खा पी रहे हैं कुछ और अपना संडे एंजॉय कर रहे हैं। फैमिली, कई लोग फैमिलीज के साथ भी आए हैं। सो ये आ गई है हमारी कॉफ़ी। आई जस्ट लव दिस कॉफ़ी। ये जो कॉफ़ी है, ये सर सब जगह पे नहीं मिलती। सब जगह पे नहीं मिलती मीन्स ये इन लोग की, ये जो रूबीज इटरी है, इन लोग की ये कॉफ़ी की स्पेशलिटी है। लाइक यहाँ पे बेसिकली आप कोई भी कैफ़े में जाओगे ना, एनी अदर कैफ़े, देर आर 4 to 5 नॉर्मल कॉफीज लाइक कैपेचिनो, फ्लैट वाइट, मोकाचिनो, हॉट चॉकलेट, ब्लैक कॉफी, लॉन्ग ब्लैक करके बोलते हैं उसको, तो वो है। बट मैं कहीं भी जाती हूँ, कोई भी, जैसे कोई भी अगर पकड़ लो, कोई भी कैफे पकड़ लो, तो मैं जाके ऑलवेज हैव अ मोकाचिनो। तो उसमें मोकाचिनो में क्या होता है, चॉकलेट पाउडर एंड थोड़ी जैसे हॉट चॉकलेट एंड अ कॉफी, सो दोनों का मिक्सचर रहता है। सो इट्स नॉट टू कोल्ड, इट्स नॉट टू बीटर, नॉट टू स्वीट, ऐसा करके होता है। बट लेटली अगर आप कोई चीज लॉन्ग टाइम तक पियोगे ना, देन यू गेट टायर्ड, यू गेट बोर्ड, यू नीड चेंज। सो एक दिन ऐसे ही मैं ये कैफे में आई, एंड देन आई सॉ देयर वाज they just I think recently launched, and oh my god, I'm just obsessed with their hockey pocky latte. And जैसे और भी दूसरे कैफेज है, द कॉफ़ी क्लब करके और एक्स वाई सेट, बट वहाँ पे जाना इतना मेरा नहीं होता, बट उन लोग के पास भी स्पेशलिटीज कॉफ़ी है। तो दिस इज़ वन ऑफ माई द मोस्ट फेवरेट ऑफ, यू नो, आई थिंक नॉट मोस्ट फेवरेट, दिस इज माई फेवरेट कॉफ़ी एट ऑल टाइम। आई जस्ट लव दिस कॉफ़ी एंड आई कैन हैव दिस कॉफ़ी एवरी सिंगल डे, ओनली दिस द पर्टिकुलर वन। सो कॉफ़ी एंजॉय करने के बाद, जैसे आज नॉर्मली वीकेंड्स का मेरा ऑफ होता है, सैटरडे संडे को मेरा ऑफ होता है, बट बिकॉज आई वॉज लिटल बिट सिक इन ड्यूरिंग द वीक, तो फिर मैंने आज मैं काम कर रही हूँ। इट्स संडे हियर, सो मैं आज काम कर रही हूँ यहाँ पे। मैं, जैसे मेरा एप्लीकेशन भी ऑन है ऊबर का, बट अभी कोई भी जॉब पॉपअप नहीं हुई है। मैं एज अ प्रोफेशन मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, तो मैं
यूजुअली ऑकलैंड में बहुत सारी चीजें डिस्कवर कर चुकी हूँ बिकॉज आई हैव द लग्जरी ऑफ ड्राइविंग एवरीवेयर. नॉर्मली इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास कि आप चलो वीकडेज में कोई मॉल चले जाओ या वीकेंड्स में सब रहता है बिकॉज वीकेंड्स नॉर्मली फ्री होता है ना सबका. फ्री मीन्स काम नहीं करते तो मंडे टू फ्राइडे नॉर्मली यहाँ पे वर्किंग डेज है. सैटरडे संडे वीकेंड्स होता है तो तो मैं बिकॉज ऑफ माय प्रोफेशन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये प्रोफेशन में हूँ. उसकी वजह से आई कैन जस्ट गो एट दोज प्लेसेस दैट आई नेवर एवर बीन एंड आई डिस्कवर आई विटनेस एक्चुअली नॉट डिस्कवर विटनेस बिकॉज ये पर्टिकुलर ऐसी जगह है ऑकलैंड ऐसी जगह है कि वो और इवन न्यूजीलैंड नॉट ओनली ऑकलैंड न्यूजीलैंड ऐसी जगह है कि वो सुबह में अलग दिखेगी लाइक सेम प्लेस सुबह में अलग दिखेगी दोपहर को अलग दिखेगी इवनिंग में अलग दिखेगी रात को कुछ अलग ही दिखेगी. तो लाइक आई एम लाइक प्रिविलेज टू विटनेस दैट एंड ओके विल सी यू ऑल सून इन माई अदर ब्लॉग एंड तब तक के लिए जय श्री कृष्ण. सी यू अगेन सून. बाय बाय. टेक केयर. स्टे हैप्पी. स्टे हेल्दी. जय श्री कृष्ण.